नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 8 मार्च। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इन जगहों पर मिलेगी घूमने में छूट। बच्चों के लिए अब बिहार के पीएचसी में होगी खास व्यवस्था। यूक्रेन से बिहार लौटे 750 से ज्यादा छात्र। अब दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी होगी ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था। देश का सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता का इथेनॉल प्लांट बनकर हुआ तैयार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इन जगहों पर मिलेगी घूमने में छूट। आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। बात महिला दिवस की हो तो इस मौके पर महिलाओं को मिलने वाले लाभ की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे में अगर आप भी मेरी तरह ही महिला हैं और आप भी बिहार की रहने वाली हैं तो आपको मेरी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आपको बिहार में कई जगहों पर मुफ्त में घूमने का मौका मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नियंत्रणाधीन विभागीय पार्क उद्यान संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश की अनुमति मिलेगी। हालांकि राजगीर जू सफारी और राजगीर नेचर सफारी नालंदा में घूमने के लिए आपको शुल्क देना ही होगा। बच्चों के लिए अब बिहार के पीएचसी में होगी खास व्यवस्था। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज के बाद अब जिलों के सदर अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों के लिए खास व्यवस्था होने वाली है, क्योंकि बिहार के इन सभी केंद्रों तक बच्चों को अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर को तैनात करने का काम किया गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया, जिसके तहत अब पहले से जो भी डॉक्टर तैनात थे उनके सहयोग से उच्च जोखिम वाले शिशुओं और नवजात बच्चों की उचित देखभाल और उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए सभी जिलों के डॉक्टरों की विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसको लेकर कई जिलों में सभी डॉक्टरों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। पंचायतों में बनेगा मछली बाजार। पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने बीते दिन राज्य के हर प्रखंड की कुछ पंचायतों में मछली बाजार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 51 प्रखंडों में 170 पंचायतों का चयन अभी किया गया है। इसको लेकर मंत्री सोमवार को विधान परिषद में अर्जुन सहनी के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। कहा कि इस खुदरा बाजार में 2 कमरों का भी निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही मछुआरा संघ के लिए कार्यालय की भी व्यवस्था की जाएगी। शराबबंदी की नीति का अध्ययन करने 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय टीम पटना के लिए हुई रवाना। राज्य सरकार की तरफ से बिहार में शराबबंदी की नीति का अध्ययन करने के लिए सोमवार को 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय टीम पटना के लिए रवाना हुई है। इस दल में शराबबंदी के लिए आंदोलन कर रही पूजा भारती छाबड़ा भी शामिल है। जयपुर से पटना के लिए रवाना हुए दल में शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा भारती छाबड़ा, आबकारी डिप्टी कमिश्नर विजय जोशी, विष्णु शर्मा, एमएल गुप्ता और गौरव छाबड़ा शामिल है। ये दल आगामी 5 से 7 दिनों तक बिहार में रहकर शराबबंदी नीति पर रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। यूक्रेन से बिहार लौटे 750 से ज्यादा छात्र। यूक्रेन और रूस के बीच में जारी गतिरोध आने वाले कुछ दिनों में तो थमता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि स्थिति और ज्यादा खराब होने की उम्मीद है। यही कारण है कि भारतीय छात्रों को वापस बुलाने का काम भी हो रहा है, जिसमें बिहार सरकार भी केंद्र की मदद कर रही है। अपने छात्रों को वापस बुलाने में लगी हुई ऑपरेशन गंगा के तहत ही जहां एक तरफ भारत सरकार अपने बच्चों को ला रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार भी इसी प्रयास में है कि दिल्ली से कम अपने बच्चों को यहां वापस मुफ्त में लेकर आया जाए। बिहार सरकार की इस मुहिम का परिणाम है कि अब तक बिहार के सभी 38 जिलों के 750 से अधिक छात्र बिहार लौट चुके हैं। आपको बता दें कि देश भर के कोने कोने में मौजूद छात्र वापस भारत लौट रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बैंगलोर ने निकाली रिक्तियां। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बैंगलोर ने प्रोजेक्ट इंजीनियर के कुल मिलाकर 15 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, दूरसंचार, मैकेनिकल के साथ इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री न्यूनतम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 23 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bel-india.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए अब नहीं लगाने होंगे ऑफिस के चक्कर। आधार कार्ड आज के समय में हमारे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। यही कारण है कि सभी लोगों से बार बार आधार कार्ड दुरुस्त करवाने की अपील की जाती है। ऐसे में जिन भी लोगों ने आधार कार्ड नहीं बनवाया है उनमें
बनवाने की अपील भी की गई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग आधार कार्ड बनवाने से परहेज भी करते हैं क्योंकि दफ्तरों के चक्कर लगाना आम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन अब आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय रेलवे ने आधार और पैन कार्ड से जुड़ी एक नई सुविधा शुरू की है। सरकार रेलवे स्टेशन पर कई नई सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है। इसमें कई तरह की डिजिटल सेवाएं जैसे कि टिकट बुकिंग, वोटर कार्ड बनवाना, मोबाइल रिचार्ज करना भी शामिल है। 5 कारोबारी की गिरफ्तारी के साथ ही 1 करोड़ की शराब जब्त। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। हालांकि पुलिस आए दिन भारी मात्रा में शराब और उसकी तस्करी करने वालों को पकड़ रही है। इसी कड़ी में वैशाली जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में बीते दिन पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की शराब जब्त की। होली को लेकर शराब माफिया द्वारा इतनी बड़ी शराब की खेप मंगाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में 5 शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक थाना से कुछ ही दूरी पर ट्रक से शराब उतारी जा रही थी। मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के नंबर की पिकअप ट्रक के अलावा झारखंड नंबर के 12 चक्का ट्रक से शराब बरामद की गई है। अब दिल्ली के तर्ज पर बिहार में भी होगी ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था। बिहार में भी अब ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने का विकल्प आम लोगों के पास होने वाला है क्योंकि बिहार पुलिस अब दिल्ली पुलिस की तर्ज पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था शुरू करेगी। इसके लिए बिहार पुलिस के वरीय अधिकारी दिल्ली पुलिस ऑनलाइन माध्यम की बारीकियों से अध्ययन कर रहे हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी मॉडर्नाइजेशन और SCRB कमल किशोर सिंह ने ETV भारत से खास बातचीत में बताया कि CRPC की धारा 154 के तहत ऑनलाइन FIR दर्ज नहीं हो सकती। FIR में पीड़ित का हस्ताक्षर अनिवार्य होता है जो ऑनलाइन के माध्यम से पूरा नहीं हो सकता। हालांकि बिहार में ऑनलाइन कंप्लेंट की व्यवस्था शुरू हो चुकी है जिसे सुदृढ़ बनाने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा काम किया जा रहा है। होली पर बिहारवासियों को दी रेलवे ने स्वागत। होली का त्यौहार आने में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है। ऐसे में यात्रियों की आवाजाही एक बड़ी समस्या है। होली पर भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय भी लिया गया। ये ट्रेन 11 मार्च से शुरू हो जाएगी जिनका संचालन 18 मार्च तक होगा। सभी ट्रेन सहारनपुर से होकर गुजरेगी जिसका रिजर्वेशन शुरू हो गया है, जिसके तहत ही अब यात्रियों की सहूलियत के लिए सहारनपुर पटना स्पेशल, चंडीगढ़ पटना स्पेशल, नागल डैम बनारस स्पेशल, चंडीगढ़ गोरखपुर स्पेशल, भटिंडा बनारस स्पेशल ट्रेन का नाम शामिल है। पूर्वी चंपारण के अशोक स्तंभ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मोतिहारी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है लौरिया, जहां ऐतिहासिक अशोक स्तंभ स्थापित है। सम्राट अशोक ने अपने द्वारा लगवाए गए सभी शिलालेख और स्तंभों में मानव मूल्यों में उच्च नैतिकता को बरकरार रखने के लिए अपने संदेश अंकित किए थे। स्तंभ पर 41 पंक्तियों में नागरिकों को मानव धर्म का पालन करने और मित्रता का संदेश अंकित है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26 साल बाद ये धर्मलेख 6 ठोस पत्थरों के स्तंभों पर लिखवाया था। इस धर्मलेख स्तंभ का वजन 34 टन है जबकि इसकी ऊंचाई 36.5 फीट है। इस स्तंभ के ऊपर सिंह नहीं है जो शायद टूट जाने के कारण कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। मार्च के तीसरे हफ्ते में 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होगा बिहार का अधिकतम तापमान। मौसम का तेवर हर दिन बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूरे प्रदेश में पछुआ हवा का प्रवाह निरंतर बना हुआ है। इसके प्रवाह से प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बने होने के साथ ही आकाश साफ रहेगा। 3 दिनों के बाद तापमान में आंशिक वृद्धि का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञानी ने बताया है कि मार्च के तीसरे सप्ताह में प्रदेश का अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। बिहार में 99 पुलिस थानों का नहीं है कोई अतापता। बिहार में पुलिस कर्मियों के नाम गायब हो तो आप फिर भी इस बात को हजम कर लेंगे, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि बिहार के 99 पुलिस थानों का ही कोई अतापता नहीं है तो आप भी सोचेंगे कि पूरी की पूरी बिल्डिंग कैसे अंडरग्राउंड हो सकती है। लेकिन बिहार में ऐसा सच में हुआ है। हालांकि ये थाने अंडरग्राउंड हो गए हैं या नहीं ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये थाने लापता जरूर हो गए हैं ये तो तय है। अब तो पुलिस मुख्यालय ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, जिसकी जानकारी बीते दिन ही बिहार विधानसभा में उठी जब भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने बिहार के 99 लापता थाने की जांच कराने का मुद्दा सदन के पटल पर रखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने थानों में CCTV कैमरा लगाने वाली कंपनी TASL को भी एक थाना OP नहीं मिलने की शिकायत की है। देश का सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता का एथेनॉल प्लांट बनकर हुआ तैयार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते तेल के दाम के बीच भोजपुर ने भारत का सबसे अधिक उत्पादन क्षमता का एथेनॉल प्लांट तैयार कर तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनने का रास्ता साफ कर दिया है, जिसके बाद ही ये देश का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट है जो भोजपुर जिले के गढ़नी में बनकर तैयार हो गया है और मार्च के आखिरी दिनों तक यहां एथेनॉल उत्पादन का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। रूस का यूक्रेन पर हमला और युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ने वाले हैं और भारत ने आयातित ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए लगातार इसमें एथेनॉल के मिश्रण की मात्रा को बढ़ाने के काम में तेजी लाने की बात कही है। जर्मनी से ब्याह रचा ने बिहार पहुंची लारिसा।
कहते हैं प्यार कोई मजहब या सरहद नहीं पहचानता, वो केवल प्रेम की भाषा जानता है। कुछ ऐसा ही बिहार में भी इन दिनों देखने को मिला, जहां सात समंदर पार की दुल्हनिया भारत आई और देसी दूल्हे के साथ पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ सात जन्मों के बंधन में बंध गई। जर्मनी की शोध छात्रा लारिसा बेल्स ने अपने बिहारी प्रेमी सत्येंद्र कुमार के साथ हिंदू विधि विधान के साथ शादी रचाई है। दूल्हा नवादा जिले के नरहट प्रखंड के बेरोटा के निवासी है, जबकि उनकी पत्नी बनी लारिसा जर्मनी की है। आपको बता दें कि शादी के बंधन में बंधने वाले पति पत्नी स्वीडन में एक साथ शोध करते थे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने की एक नई परंपरा की शुरुआत। बजट सत्र के छठे दिन यानी कि बीते दिन बिहार विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए बिहार के वैशाली से स्कूली छात्र पहुंचे थे। सदन की कार्रवाई देखकर बच्चे काफी खुश थे। कार्रवाई खत्म होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बच्चों के साथ फोटो सेशन भी किया, साथ ही इसके बाद स्कूली बच्चों ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठकर खाना खाया। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में ये पहली बार देखने को मिला है। विजय कुमार सिन्हा ने एक नई परंपरा की शुरुआत की स्कूली बच्चों के साथ भोजन करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी और छात्रों के उज्जवल भविष्य में काफी मदद मिलेगी। विधानसभा की कार्रवाई को देखकर बच्चे अपने जनप्रतिनिधियों की भूमिका को आसानी से समझ पाएंगे। तेजस्वी यादव का घोषणा, इस बार योगी की होगी विदाई। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा करने में लगे हुए हैं। बिहार की सियासत भी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर खूब गर्म है। यूपी चुनाव के परिणाम को लेकर बिहार के राजनीतिक दल भी अपनी नजरें बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीते दिन अंतिम चरण का मतदान समापन हुआ, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। अब समाजवादी पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यूपी की जनता भाजपा को आईना दिखा रही है। जनता ने ठान लिया है कि भाजपा को भगाना है, जिससे भाजपा नेताओं की परेशानी बढ़ी हुई है। उनकी परेशानी को देखकर लग रहा है कि अब उनके सरकार की विदाई तय हो गई है। बिहार विधानसभा में फिर उठा पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा। बीते दिन पुरानी पेंशन योजना लागू करने का मुद्दा एक बार फिर से विधानसभा में उठा, जब राजद विधायक आलोक मेहता ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर विधानसभा में प्रश्न उठाया। इसका जवाब उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके बाद ही आलोक मेहता के सवाल पर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि देश के किसी भी राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया गया है। आलोक मेहता ने राजस्थान के नाम का जिक्र भी किया, साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव में उठे इस मुद्दे पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इस पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि 1/9/2005 से पुरानी पेंशन स्कीम की जगह नई पेंशन स्कीम लागू है। सरकार का कोई प्रस्ताव पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का है नहीं। मठ मंदिरों के जमीन के मालिकाना हक को लेकर सदन में गूंजा सवाल। बिहार में मठ मंदिरों के जमीन की समस्या कितनी है, इससे आप भी वाकिफ होंगे। इसी कारण से इस मुद्दे को लेकर सदन में भी सवालों की बौछार लगी रहती है। बीते दिन भी विधानसभा के अंदर ऐसा ही माहौल देखने को मिला, जब भाजपा की तरफ से संजय सारावगी ने यह पूछा कि बिहार में मठ मंदिरों की कितनी जमीन है, कितने पर भगवान का मालिकाना हक है। इस पर ही सदन में विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने बीते दिन अपना जवाब दिया, साथ ही बताया कि मठ मंदिरों की जमीन के रैयत कॉलम में भगवान का नाम होगा ही होगा, लेकिन भाजपा विधायक उनके इस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। यही कारण है कि भाजपा विधायक ने सवाल पर मंत्री जी को खूब घेरा, जिसके बाद स्पीकर ने मामले में हस्तक्षेप भी किया, जिसके बाद अब ये सवाल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। मांझी ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने सोमवार को एक पखवारे से धरना पर बैठे विस्थापित दुकानदारों से मिलने वो बोधगया पहुंचे। धरना स्थल से उन्होंने मोबाइल पर प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े से बात भी की और कहा कि रोजगार छिन जाने से फुटपाथी दुकानदार या तो भीख मांगेंगे या फिर नक्सली बन जाएंगे, इसलिए इनके विरुद्ध की गई कार्रवाई अनुचित है। फुटपाथी दुकानदारों से कोई अवरोध नहीं होता। मांझी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसी को रोजगार नहीं दे सकती तो कम से कम उनके साथ बुरा व्यवहार ना करे। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जाप ने निकाला मार्च, तो वहीं पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाए जाने की मांग आप भी बीते कई दिनों से जरूर सुन रहे होंगे। हालांकि सरकार भी इस मांग के पक्ष में है, लेकिन पक्ष में होने के बावजूद भी अब तक इस तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया गया, जिसके कारण ही विपक्षी खेमे में बैठे बहुत से दल अपना सब्र खो रहे हैं, जिसका प्रमाण ही बीते दिन जाप कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिला, जब सभी कार्यकर्ता विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर राजभवन की तरफ पैदल मार्च करते हुए बढ़े। लेकिन बीच में ही इन सभी कार्यकर्ताओं का रास्ता पुलिस ने रोका, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता नहीं माने, जिसके बाद ही पुलिस को भी वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। मुकेश सहनी का ऐलान, एमएलसी के कुल 24 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो एमएलसी के सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर बिहार वापस लौटने के बाद उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में उनसे मदद नहीं मांगी थी, अगर मांगती तो जरूर सोचते। मंत्री मुकेश सहनी ने कहा, मुझसे जदयू ने शीर्ष नेतृत्व ने मदद मांगी थी, इसी के चलते मल्हनी ने
यानी कि उत्तर प्रदेश में जदयू के उम्मीदवार धनंजय सिंह के चुनाव प्रचार में वो गया था। अगर मुझसे किसी ने मदद मांगी होती तो मदद जरूर करूंगा, लेकिन फिलहाल बिहार में एमएलसी का चुनाव अकेले लड़ रहा हूं। मुझे एनडीए के साथ आने का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझ पर कुछ बोलते हैं वो ठीक नहीं है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया। एयर इंडिया इंटरनेशनल की 1948 में स्थापना हुई। फिल्म फेयर ऑफ फुटपाथ ने 2008 में काहिरा इंटरनेशनल फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत के अग्रणी गोल्फ खिलाड़ी ज्योति रंधावा ने 2009 में थाईलैंड ओपन खिताब जीता। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर का 1989 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ और ब्रिटिश भारत के उड़ीसा प्रांत के मुख्यमंत्री विश्वनाथ दास का 1889 में जन्म हुआ। भारतीय कलाकार दामेरला रामाराव का 1897 में जन्म हुआ। शेन वॉर्न को लेकर अपने बयान से पलटे सुनील गावस्कर। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने एक न्यूज चैनल पर ऑस्ट्रेलियाई महान खिलाड़ी शेन वॉर्न के निधन पर कहा कि वो महान नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत के खिलाफ और भारत में विकेट नहीं लिए, जिसके बाद से उनकी आलोचना हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। सुनील गावस्कर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि पिछला सप्ताह क्रिकेट बिरादरी के लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि 24 घंटे के भीतर हमने दो महान खिलाड़ियों को खो दिया, जिनमें एक ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर रॉस मार्श, पूर्व विकेटकीपर रॉड मार्श और पूर्व स्पिनर शेन वॉर्न शामिल है। NH-19 पर बनेगा 24 लेन टोल प्लाजा, जाम से मिलेगी निजात। अब बिहार के कैमूर जिले से होकर निकलने वाले NH-19 पर 24 लेन के टोल टैक्स की सुविधा देने वाली है, जिसके तहत अब उम्मीद है कि लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर लगने वाली जाम से छुटकारा मिलेगा। इतना ही नहीं, इससे होकर आने वाले दिनों में दिक्कतें नहीं होंगी, इसको लेकर तैयारी तेज हो गई है। इससे पहले ही फास्टैग पूरी तरीके से लागू किया गया था, लेकिन फिर भी लोगों को जाम से छुटकारा नहीं मिला, जिसके बाद ही अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि यहां 6 लेन वाली सड़क के लिए टोल प्लाजा पर 24 बूथ बनाए जाएंगे, यानी कि अब आने वाले समय में 100 मीटर या फिर उससे अधिक जाम है तो जाम में फंसे 100 मीटर तक के वाहनों को मुफ्त में जाने का विकल्प दिया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुन्नू कुमार, रोहित सिन्हा, रोहित शर्मा, रघुनाथ प्रसाद, अमित कुमार पासवान, जितेंद्र ठाकुर, गौतम कुशवाहा, ऋषि कुमार, रविशंकर कुमार, सौरभ सिंघाना, रविशंकर सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, महिला दिवस पर महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।